ये बिहार के कपिल देव हैं। क्रिकेटर कपिल देव ने भारत को 1983 में वर्ल्ड कप दिलाया था, लेकिन हस्तशिल्पकार कपिल देव ने बिहार को गौरव प्राप्त करवाया है, गौरव पद्मश्री का, जिसकी घोषणा गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या की गई और नालंदा के कपिल देव को पद्मश्री मिलने की खबर चारों ओर फैल गई। आपको बता दें कि कपिल देव को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 52 बूटी हस्तकला के लिए दिया जा रहा है। 52 बूटी हस्तशिल्प कला में कपड़े पर विशेष तरह से डिजाइन तैयार किए जाते हैं। 52 बूटी हस्तकला के माध्यम से तैयार की जाने वाली एक विशेष साड़ी, जिसे 52 बूटी साड़ी कहा जाता है, साधारण कॉटन और तसर के कपड़े पर हाथ से की गई कारीगरी वाली ये साड़ी देश के लिए किसी विरासत से कम नहीं। बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाली इस साड़ी को नालंदा के नेपुरा गांव में सदियों से बनाया जा रहा है। इसे 52 बूटी साड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरी साड़ी में एक जैसी 52 बूटियां होती हैं। ये देखने में बेहद साधारण होती हैं। कपिल देव प्रसाद बताते हैं कि 52 बूटी उन्हें स्कूल में ही बताई गई थी और भारत से निकले बौद्ध धर्म की शुरुआत बिहार से ही हुई थी। इस साड़ी में कम से कम 52 बूटियां होती हैं। ये बहुत ही महीन काम होता है। इन्हें धागों की मदद से साड़ी पर तैयार किया जाता है। इस कला की विशेषता ये भी है कि पूरे कपड़े पर एक ही डिजाइन को 52 बार बूटियों के रूप में बनाया जाता है। 52 बूटी के माध्यम से 6 गज की साड़ी में बौद्ध धर्म की कलाकृतियों को उकेरा जाता है, जो ब्रह्मांड की सुंदरता का वर्णन करती हैं। आपको बता दें कि बौद्ध धर्म में 8 चिन्ह होते हैं। 52 बूटी हस्तकला में इन्हीं चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये बूटियाँ काफी महीन होती हैं और सादे कपड़े पर ही इन्हें तैयार किया जाता है। 52 बूटी मैंने कला है, एक कपड़े में जो बूटी डालते हैं साड़ी बेडशीट सब पर पर्दा पर, तो जो बूटी बनाते हैं उसी को लोग 52 बूटी कहते हैं। पहले साड़ी में कम से कम 52 बूटी दिया जाता था हाथ से, तो उसी को 52 बूटी नाम है। 52 बूटी साड़ी तो लगभग विलुप्त प्राय होती जा रही है, जिसे आपने जिंदा रखा है, इसे लेकर आपको भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। तो 52 बूटी कब से प्रचलित है और कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है आपको मैंने बताया? 52 बूटी के बारे में तो सर हमारे दादाजी ही बताते थे, उनके दादाजी ही बताते थे कि बनाते थे, क्योंकि पर्यटन कपड़ा तो बहुत पहले से बनते आ रहा है, लेकिन यहाँ बिहार से के लोग दोनों समुदाय के हिंदू मुस्लिम दोनों बुनकर पर्यटन कपड़ा बुनाई के समय में ही अलग रंग का धागा डाल के बूटी बनाते रहे। इसका इतिहास बहुत पुराना है, हजारों वर्ष भी कर सकते हैं, कम से कम 500 वर्ष दूर। राष्ट्रपति भवन में, लेकिन हाँ राष्ट्रपति भवन में पर्दा लगता था, अच्छा यही सब लगा था हमारे गाँव से ही, जिसमें बैल मछली पेड़ आदमी ये सब रहता था। उपेंद्र महाथी जी का डिजाइन था वो, अभी भी हम लोग उसे बना रहे हैं बेडशीट कवर में, अच्छा उसका बाहर जहाँ जाता है अपमान। कैसा महसूस हो रहा आपको पद्मश्री से बनवाना जो है? हम तो कभी सोचे भी नहीं थे, हम तो बहुत मैंने बहुत बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि सरकार हमें याद किया, ऐसी बहाने ग्राहक लोग को याद करेंगे, मेरे यहाँ देंगे, मेरे हमसे कुछ बनवा देंगे तो आमदनी बढ़ेगा। जी आई टैग मिला है कि नहीं रुपये का? अभी नहीं, आवेदन तो हमने दिए हैं, अभी आवेदन जगह पर पहुंच गया है, जल्दी मिल जाएगा। हाँ उम्मीद तो उसमें नाबार्ड वाले सहयोग कर रहे हैं। मेरे दादे परदादे बहुत परंपरा है, मेरा बिजनेस है और मेरे ससुर जी को ये 52 बूटा साड़ी का नाम इसलिए पड़ा सर कि पहले बहुत इसका मांग रहता था, पहले शादी अगर नहीं जाती थी 52 बूटा साड़ी तो बारात में से वापस आ जाती थी कि शादी में क्यों 52 बूटा साड़ी नहीं है। तो इस वजह से सर 52 बूटा साड़ी मेरा प्रसिद्ध हुआ सर, और मेरा देश विदेश सर मुंबई चेन्नई सर ऑनलाइन भी मैं साड़ी करती हूँ सर, और मैं अपने ससुर जी के साथ और जो सर मैं इतना प्रसिद्ध हुई हूँ वो सर को भी मैं अपना धन्यवाद देती हूँ। मेरे आपको 52 बूटी में कमल के फूल, बोधि वृक्ष, बेल, त्रिशूल, सुनहरी मछली, धर्म का पहिया, खजाना, फूलदान, पारसोल और शंख आदि चिन्ह मिल जाएंगे। ये सभी बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं। इस कला से सजी साड़ियाँ, चादर, शॉल, पर्दे आपको बाजार में मिल जाएंगे। इनकी लोकप्रियता भारत के अलावा जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तक फैली हुई है। इसके अलावा बौद्ध धर्म मानने वाले देशों में भी आपको इस कला के नमूने मिल जाएंगे। वर्षों से इस कला को करने वाले कारीगरों को कभी भी ना तो राज्य स्तर पर बहुत सराहना मिली ना ही विश्व स्तर पर, मगर देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 52 बूटी से बने पर्दों को राष्ट्रपति भवन में जब लगवाया तो लोगों को इस कला के बारे में पता चला।
अब तो इस कला को यूनेस्को भी बढ़ावा दे रहा है। हालांकि आज भी फैशन की दुनिया से ये कला कोसों दूर है, मगर इसका विकास लगातार होता नजर आ रहा है और जल्द ही फैशन के गलियारों में भी हमें बावन बूटी कला को देखने का मौका जरूर मिलेगा। ये थी नालंदा से रंजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट बिहार तक।